फेमस बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत राधिका मर्चेंट की शादी 12 जुलाई 2024 को ही हुई थी, जो कि बड़े धूमधाम से संपन्न हो गई। इस ग्रैंड शादी में बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज शामिल अपने पूरे परिवार के साथ शामिल हुए थे। बॉलीवुड हॉलीवुड से लेकर साउथ के भी कई मशहूर सेलिब्रिटीज ने इस ग्रैंड वेडिंग में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। वहीं बच्चन फैमिली भी अनंत राधिका के आशीर्वाद देने पहुंचे। पूरी बच्चन फैमिली एक साथ ट्रेडिशनल ड्रेस में नजर आई। बच्चन परिवार का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसमें बॉलीवुड के महान नायक अमिताभ बच्चन, उनकी पत्नी जया बच्चन, बेटा अभिषेक बच्चन, बेटी श्वेता नंदा दामाद निखिल नंदा, नाते नव्य नवेली नंदा और नाती अगस्त नंदा साथ में पपराजी को पोज देते नजर आए। वह अमिताभ बच्चन दामाद निखिल नंदा के साथ मुस्कुराते हुए भी नजर आए, लेकिन इस फैमिली फोटो में परिवार के भविष्य पर राय और पोतिया राधा बच्चन नहीं थी। दरअसल बच्चन फैमिली के साथ ऐश्वर्या राय नजर ही नहीं आई। ऐश्वर्या राय अपनी बेटी राधा के साथ इस ग्रैंड वेडिंग में शामिल हुई थी, लेकिन उन्होंने बच्चन परिवार के साथ शादी में एंट्री नहीं की। ऐश्वर्या राय और आराध्या ने तो बच्चन फैमिली के साथ फोटो खिंचवाई और ना ही कोई वीडियो बनवाया। ऐश्वर्या राय तो बच्चन परिवार के किसी भी सदस्य के साथ मिली भी नहीं। इसके अलावा वो पति अभिषेक बच्चन को इग्नोर करती भी नजर आई। ऐश्वर्या ने सिर्फ अपनी बेटी राधा के साथ पैपराजी को पोजेस दिए। इस खास मौके पर ऐश्वर्या ने लाल रंग का एथनिक ड्रेस पहना हुआ था, जबकि बेटी राधा नीले रंग के अनारकली सूट में नजर आई। माँ बेटी एकदम एक जैसे दिखाई दे रहे थे। शादी में बच्चन फैमिली और ऐश्वर्या राय अलग अलग नजर आए। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐश्वर्या राय ने तो एक्ट्रेस रेखा से भी बात की थी। आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट करके बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट लाइव।